मेरा नाम फैसल है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से फोटोशॉप पे फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, किस तरह आप कलर पिक कर सकते हैं और किस तरह से जो है वो आप डिफॉल्ट कलर्स और कलर को स्वैच करवा सकते हैं। ठीक है, तो इस सिंपल सी एक हमारी क्लास है कि किस तरह से आपने बेसिकली कलर समझने हैं शॉर्ट कीज वगैरह से, और डायरेक्ट अगर आपने किस तरह से फिल करना है तो वो मैं आपको आज थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। आपने न्यू फाइल ली हुई है सिंपल, और यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये टूल बॉक्स है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे ये दो कलर्स शो करवा रहा है, ये करा था फोरग्राउंड कलर और ये करा था बैकग्राउंड कलर। अगर आप थोड़ी देर इसमें माउस रखेंगे तो ये आपको फिर उसका टाइटल भी शो करवा देगा। ठीक है, ये स्वेचेस कलर कहलाता है ये वाला, और ये डिफॉल्ट कलर्स कहलाता है। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ फोरग्राउंड कलर जो है वो रेड सेलेक्ट हुआ हुआ है और मुझे जो है रेड कलर फिल करना है। तो मैं जाऊंगा यहाँ से सिंपल, जहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास फिल कलर का। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहा है, कौन से सॉरी, ये पेंट बकेट टूल दिखा रहा है। ठीक है, तो पेंट बकेट टूल में जब आप जाते हैं तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ तो ये कलर आपको फिल करके दिखा देगा। ठीक, अब ये रेड कलर फिल हुआ क्योंकि यहाँ पे कलर रेड सिलेक्ट हुआ हुआ था। तो आपने क्या करना है, अगर कलर को चेंज करना है तो सिंपल आपने यहाँ से कलर सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने कलर चेंज कर लेना है। अच्छा, यहाँ से अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये कलर की टोन को चेंज करेगा, लाइट और डार्क जो भी आपने करना है। ठीक है, और यहाँ से ये जो रेनबो कलर की आपको बार नजर आ रही है, यहाँ से बेसिकली आप अपने कलर्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर ब्लू कलर पे जाना है तो मैंने यहाँ से ब्लू सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे भी ब्लू की टोन लाइट डार्क जो भी थी वो आ गई। ठीक है, तो आपने इसको ओके कर देना है यहाँ से, तो ये ब्लू कलर अब यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा और आपने फिल करना है तो आप यहाँ से सिंपल इसको क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक तरीका है जिस तरह से आप जो है वो कलर फिल कर सकते हैं। अब अगर आपने इसमें व्हाइट कलर फिल करना है तो आपने यहाँ से इस कलर को स्वेच कर देना है। सिंपल यहाँ क्लिक करेंगे आप तो ये व्हाइट कलर ऊपर आ जाएगा और आपने सिंपल क्लिक कर देना, तो ये व्हाइट कलर आपको फिल करके बेसिकली ये दिखा देगा। ठीक है, और अब आपने यहाँ पे अगर कलर चेंज करना है, यानी कि अगर आप दो कलर्स जो है उनके कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे हैं, सपोज आप रेड और ग्रीन और ब्लू के कॉम्बिनेशन पे काम कर रहे हैं, तो कहीं आपको ग्रीन कलर यूज करना है और कहीं आपको ब्लू कलर यूज करना है, तो आपने सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करना है, इसको स्वेच करना है और दोबारा से स्वेच करेंगे ग्रीन ऊपर आ जाएगा। तो ये आप इस तरह से टू कलर्स बेसिकली यूज कर सकते हैं एट अ टाइम। ठीक है, अच्छा, ये स्वेचेस ये कलर स्विच करने के लिए होता है, सिंपल आप क्लिक कर दें यहाँ पर तो ये आपको जो है कलर यहाँ से स्विच करके दिखा देता है, और ये कहलाता है डिफॉल्ट कलर। डिफॉल्ट कलर सिंपल आप डी प्रेस कर दें या फिर इस पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे आपको ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स शो करवा देगा। अब मुझे पेज व्हाइट चाहिए तो मैं यहाँ से इसको स्वेच कर लूंगा और कलर व्हाइट फिल कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, शॉर्ट कीज में आपको बता देता हूँ, अगर बैकग्राउंड कलर फिल करना है तो आप जो है यहाँ से अल्टर प्लस बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये आपको बैकग्राउंड कलर फिल करके देगा। ठीक है, और अगर आप कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करते हैं तो ये आपको फोरग्राउंड कलर फिल करके देगा। ठीक है, कलर स्विच करना है अगर आपने, आप जो है यहाँ से एक्स की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो कलर स्विच करके देगा, और अगर आपको डिफॉल्ट कलर्स चाहिए उसके लिए जो आपके पास की होती है वो होती है सिंपल, आपने टी प्रेस करना है कीबोर्ड से तो ये आपको जो है वो डिफॉल्ट कलर शो करवा देगा। ठीक है, अब ये मैं आपको कीबोर्ड की मदद से भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब देखिए, सिंपल आपने कलर चेंज करना है तो आपने पहले यहाँ क्लिक करना है और कोई भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। मैं येलो ले लेता हूँ या ऑरेंज का मुझे शेड चाहिए तो मैं यहाँ से ऑरेंज शेड पे आऊंगा और इसको थोड़ा सा
नीचे ले जाऊंगा, तो ये ऑरेंज का शेड मुझे ये आइए दे देगा, ठीक है। लाइट डार्क करना है तो यहाँ से आप इसको लाइट डार्क कर सकते, ठीक है। और सेकंड कलर फर्स्ट कर लें, मुझे चाहिए रेड, डार्क रेड, ठीक है। तो मैं यहाँ से पहले रेड सेट करूंगा, उसके बाद यहाँ से इसको कलर सेलेक्ट कर लूंगा। तो ये मुझे अभी फिलहाल ऑरेंज और रेड पे काम करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया कोई भी ऑब्जेक्ट और इसको मुझे ऑरेंज कलर करना है, तो मैं कीबोर्ड से अल्टर और बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो ये कलर फिल कर देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मुझे रेड कलर चाहिए तो मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो मुझे रेड कलर फिल कर देगा, ठीक। अब कलर आपने स्विच करना है, एक्स प्रेस कर दें तो यहाँ से एक कलर आपको स्विच करके दिखा रहा है, ठीक है। और टी प्रेस कर देंगे आप तो ये ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, यानी कि मुझे व्हाइट कलर चाहिए पूरे में वापस, तो मैं कंट्रोल बैक स्पेस कर दूंगा तो ये व्हाइट कलर आपको फिल करके दिखा देगा, ठीक है। तो ये आज की छोटी सी क्लास में मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से आप बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर जो है वो फिल कर सकते हैं कीबोर्ड के शॉर्ट कीज के थ्रू भी और मैनुअल पेन बकेट टूल्स के थ्रू भी, और किस तरह से आप कलर स्विच कर सकते हैं और किस तरह डिफॉल्ट कलर्स वगैरह सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।